Children, today we will study the poem to the pupils. We will study in Hindi and English both. Let us see. This poem is written by a famous poet. यह poem है जो एक प्रसिद्ध कवि के द्वारा लिखी गई है. Famous means प्रसिद्ध. Henry Long Derosio, जिसका क्या नाम है? Henry Long Derosio. In this poem, he has tried to describe. उसने कोशिश की है वर्णन करने की the relation, संबंध between a teacher, एक teacher के and his pupils और उसके छात्रों के मध्य क्या relation है. उसने इसको explain करने की कोशिश की है. Let us see. Expanding like the petals of young flowers. Expanding, विकसित होते हुए. Like the petals, जैसे पंखुड़ियाँ हैं. Petals means पंखुड़ियाँ. Of young flowers, young फूलों की. I watch, teacher कहता है मैं देखता हूँ. The gentle opening, सज्जनता भरी, कोमलता भरी. Opening, खुलापन. Of your minds, यानी टीचर क्या कहना चाहता है कि जैसे फूल विकसित होते हैं ऐसे ही मैं आपके दिमाग, बच्चों के, छात्रों के दिमाग को विकसित होते हुए देखता हूं. एंड द स्वीट लूजनिंग ऑफ द स्पेल दैट बाइंड्स. और स्वीट मधुर, लूजनिंग, लूज मीन्स ढीला होना. ऑफ द स्पेल, वो जो स्पेल है, वो जो जादू है, दैट बाइंड्स, जो बांध लेता है. योर इंटेलेक्चुअल, आपकी बौद्धिक, इंटेलेक्चुअल मीन्स बौद्धिक, एनर्जीज को एंड पावर्स को. यानी बच्चे को जब तक अध्यापक नहीं मिलता है तो उसकी एनर्जी बंधी हुई होती है, क्योंकि माता पिता उन्हें शिक्षित तो कर सकते हैं लेकिन एक सीमा के अंदर ज्ञान दे सकते हैं उन्हें. टीचर जो ज्ञान दे सकता है, क्योंकि टीचर के पास बुक्स का भी ज्ञान होता है और अलग ज्ञान भी होता है, तो वो उसकी ऊर्जा को, उसकी पावर को एक्सटेंड करता है. एक्सटेंड मीन्स बढ़ाना. आइए आगे देखते. दैट स्ट्रेच, जो फैलती है. स्ट्रेच मीन्स फैलना. लाइक यंग बर्ड्स, जैसे यंग बर्ड्स है वो फैल जाते हैं. इन सॉफ्ट समर आवर्स, सॉफ्ट समर आवर्स मतलब इधर उधर चले जाते हैं, फैलते हैं. ऐसे ही बच्चों का ज्ञान भी फैलता है, यानी बढ़ता है. देयर विंग्स टू ट्राई देयर स्ट्रेंथ, जैसे पक्षी अपने पंखों की मदद से कोशिश करते हैं चीजों को पाने की, वैसे ही बच्चा अपने दिमाग की वजह से, अपने माइंड की वजह से, अपनी पावर की वजह से स्ट्रेंथ को पाना चाहता है. और वह स्ट्रेंथ किसी भी प्रकार की हो सकती है, ज्ञान की भी हो सकती है और ताकत की भी हो सकती है, लेकिन वह पाना चाहता है उसे अपनी मेहनत से. ओ हाउ द विंड्स, कैसे हवाएं. ऑफ सरकमस्टांसेस, हालातों की. कई बार आपने देखा होगा सरकमस्टांस, हालात है जो विपरीत भी हो जाते हैं तो भी वह पाना चाहता है. एंड फ्रेशनिंग, और तरोताजा कर देने वाली. अप्रैल शावर, जैसे अप्रैल में शावर्स आती है, बौछारें आती है. ऑफ अर्ली नॉलेज, शुरुआत के ज्ञान की. ऐसे ही अप्रैल में ही सब बच्चे नई क्लासेज में जाते हैं तो नए ज्ञान की बौछार होती है उन पर. एंड अननंबर्ड काइंड्स, अननंबर्ड मीन्स जिसे गिना न जा सके. काइंड्स प्रकार की, नया नया ज्ञान प्राप्त करने के लिए वह आगे बढ़ता है और वह प्राप्त करता भी है. ऑफ न्यू परसेप्शंस, और नई नई धारणाएं. परसेप्शंस मीन्स धारणाएं. शेड देयर इन्फ्लुएंस, जो बहा देती है, जैसे बारिश है अपना प्रभाव डालती है, उसी प्रकार नए ज्ञान का उस पर प्रभाव डलता है, इन्फ्लुएंस होता है. ये टीचर बोल रहा है अपने बच्चों के प्रति. एंड हाउ यू वर्शिप, और जैसे तुम पूजा करते हो, मान लो ट्रुथ, सच्चाई की. ओमनीपोटेंस, जो सर्वशक्ति है, ओमनीपोटेंस है. ऐसे ही आपके लिए जो विद्या है, ज्ञान है, वह पूजा है. अगर आप ईमानदारी से पढ़ते हैं तो फिर आप आगे बढ़ते हैं.
टीचर आपको मोटिवेट करते रहते हैं। व्हाट जॉयस रेन्स, कैसे आनंद भरी बारिश है जो अपॉन मी, मुझ पर पड़ती है, व्हेन आई सी, जब मैं देखता हूँ। यानी अध्यापक कहता है जब बच्चे आगे बढ़ते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो मुझे बड़ा आनंद आता है, बारिश होती है आनंद की मुझ पर, जो मैं देखता हूं। फेम, प्रसिद्धि, फेम मीन्स यस या प्रसिद्धि, इन द मिरर, दर्पण में, ऑफ फ्यूचरिटी, भविष्य के, यानी मैं उनका भविष्य देखता हूं, भविष्य का दर्पण देखता हूं, जब वे खूब पढ़ते हैं तो मुझे पता चल जाता कि भविष्य में वे महान आदमी बनने वाले, तो मैं उस यश को देखता हूं। वीविंग, बुनते हुए, द चैपलेट्स, चैपलेट्स मीन्स यहाँ पे माला है। यू हैव येट टू गेन, जो तुम्हें अभी प्राप्त करनी है, विद्यार्थियों को भी सफल होना है और उस सम्मान को, उस चैपलेट को प्राप्त करना है, गेन मीन्स प्राप्त करना। एंड देन, और तब, आई फील, मैं महसूस करता हूँ, आई हैव नॉट लिव्ड इन वेन, कि मैं नहीं जिया, आई हैव नॉट लिव्ड, मैं नहीं जिया, लिव मैंने रहना या जीना, इन वेन, बेकार में, यानी मैंने आपको जो शिक्षा दी, इतने दिन आपको पढ़ाया, वो बेकार में नहीं जिया मैं। जब उसका बच्चा सफल होता है, उसका स्टूडेंट, विद्यार्थी, प्यूपिल सफल होता है, तो सबसे ज्यादा आनंद उसे ही प्राप्त होता है। और यही संबंध है एक स्टूडेंट का और एक टीचर का, कि टीचर ईमानदारी से पढ़ाए, टीचिंग करे अपने बच्चों की तरह, बिल्कुल अपने बच्चे समझे उन्हें। और विद्यार्थियों का भी फर्ज बनता है कि वे खूब पढ़ें और जीवन की ऊंचाइयों को छुएं अपने टीचर्स की आज्ञा में रहकर। इस प्रकार ये पोयम समाप्त हुई। थैंक यू।